हृदय संबंधी रोग, जिसे CVD भी कहा जाता है, ये ऐसी परेशानियों का समूह है जिनसे आपके दिल और रक्त वाहिकाओं पर असर पड़ता है। दिल एक ऐसी मांसपेशी होता है जो खून को आपकी रक्त वाहिकाओं के जरिए शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है। खून ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को वहन करता है। समय के साथ रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल से बना वसा इकट्ठा होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल ऐसा वसा है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा होने पर ये आपकी रक्त वाहिकाओं में इकट्ठा होने लगता है। इस स्थिति को प्लाक जमा होना कहते हैं। प्लाक जमा होने से आपकी धमनियाँ संकरी और कठोर बन जाती हैं और इससे खून के बहाव पर असर पड़ता है। इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। प्लाक टूटकर खुल सकता है और ऐसा होने पर इसके खुले हिस्से के चारों ओर खून के थक्के जमने लगते हैं। इससे खून का बहाव पूरी तरह से बंद हो सकता है। दिल तक खून का बहाव नहीं होने पर दिल का दौरा पड़ता है। दिमाग तक खून का बहाव नहीं होने पर स्ट्रोक आ सकता है। दिल का दौरा पड़ने या स्ट्रोक आने जैसी हृदय संबंधी घटनाएं बहुत गंभीर होती हैं। एक तथ्य ये है कि हर 5 मिनट में हृदय संबंधी रोगों की वजह से एक कनाडाई व्यक्ति की मौत होती है, जिससे ये कनाडा में होने वाली मौतों की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। जो लोग ऐसी स्थिति में बच जाते हैं, उन्हें लंबे समय तक इसके असर देखने को मिलते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा थकान होने और दिमाग से जुड़ी परेशानियाँ। इससे उनकी ज़िंदगी और काम पर भी असर पड़ता है। शुक्र है कि ज़्यादातर हृदय संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। इसका मतलब है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करके और सही समय पर मेडिकल उपचार मिलने पर दिल का दौरा पड़ने या स्ट्रोक आने से बचा जा सकता है। दिल का दौरा पड़ने या स्ट्रोक आने से बचने का पहला तरीका है अपनी जांच कराना, ताकि आपको अपना रिस्क लेवल पता हो। अपनी जांच कराने के बाद रिस्क कम करने के लिए डॉक्टर से बात की जा सकती है।